Hello everybody, it's been a long day, a historic judgment by Supreme Court. पांच जजों की जो बेंच थी उसमें से तीन जजों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया ट्रिपल तलाक को, और दो जजों जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस केहर भी थे उन्होंने इस पे basically they remain hesitant and they also wanted to be non-committal on this, but nonetheless चूंकि majority जजों ने इसको unconstitutional करार दे दिया है, so therefore it's a good news for all the women, all the Muslim women who have been suffering from it or who were likely to suffer in future as well. कल रात में भी हमने ये कहा था कि हमारा stand बहुत ही clear है day one से कि triple talaq is bad. There is no concept of triple talaq in Islam. और ये anti women है, औरतों को humiliate करता है ये, और ये ban लगना चाहिए. Ideally Muslim community को खुद lead लेना चाहिए था इस reform के लिए, उन्होंने lead नहीं लिया चूँकि Quran में इसका कहीं जिक्र नहीं है, हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये reform आना चाहिए था, वो नहीं लाए. Thank God Supreme Court ने intervene किया और ये फैसला आ गया आज. ये अब ये कितना आगे जा कर के कारगर होगा हमें नहीं पता है, चूँकि ये सरकार इस पे कानून बनाएगी, कानून बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो कितनी इफ़ेक्टिव होगी, चूँकि कानून तो जहेज़ के बारे में भी है, लेकिन जहेज़ से हज़ारों मौतें होती है हर साल, तो सिर्फ कानून बना लेने से ये मामला रुक जाएगा ये पता नहीं है. चूँकि जब तक जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होगा, सिर्फ कानून बना लेने से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. जैसे ही ये फैसला आया, आपने देखा होगा आनन फानन में फैसला आया, उसके मुश्किल से 20-25 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बाहर आए, और उन्होंने वो किया जो वो नहीं करते हैं, टू वे कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं. उनको गोरखपुर में जो सैकड़ों डेथ हो गई उस पर भी बोलने के लिए बहुत वक्त लग गया, लेकिन इस मुद्दे पे वो बाहर आए और उन्होंने इंटरव्यू दे डाला. इंटरव्यू में मुसलमान माओं के लिए कितना दर्द है, और उनका जो दर्द है वो बिल्कुल छलक कर बाहर आ रहा था. फिर उसके बाद कुछ देर के बाद एक बहुत ही इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में बुलाया गया, जहाँ पर अमित शाह पहुँचे, और अमित शाह ने आकर के फिर वही दोहराई कि एक नए युग का आगाज़ है आज से मुसलमान औरतों के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया. इन तीनों ने स्टेटमेंट दिया कि इन्हें मुसलमान औरतों से कितनी हमदर्दी है. हम आपको यहाँ बताएंगे और एक्सपोज करेंगे इन तीनों को कि इनकी हमदर्दी जो है वो छलावा है, झूठ है, सिर्फ पॉलिटिक्स है इनकी, जो हिंदुत्व की इनकी पॉलिटिक्स है, इंडिया को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की पॉलिटिक्स है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इम्प्लीमेंट करने की पॉलिटिक्स है, और इस्लाम एज अ फेथ को डिफेम करने की जो पॉलिटिक्स है वो हो रहा है यहाँ पे. और मैं एग्जांपल देता हूँ. इन्होंने कहा कि इन्हें मुसलमान औरतों से कितनी मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है मुसलमान औरतों से. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो यूपी इलेक्शन में सिर्फ रोया नहीं था बल्कि सब कुछ कह दिया था कि इतना दर्द है कि शायद उनको रात में नींद भी नहीं आती है मुसलमान औरतों के लिए. दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. पहले मुसलमान औरतों की बात कर लें. यूपी में सितंबर 2015 जिनका नाम था अखलाक, उनको लोगों ने पीट पीट कर मार दिया था. उनकी बीवी भी किसी की बहन थी, किसी की माँ थी. दो महीना लगे थे सारी मीडिया को ये डिमांड करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर अब तो चुप्पी तोड़िए. उन दो महीनों में प्राइम मिनिस्टर उस वक्त प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने दो स्टेटमेंट भी दे दिया पब्लिक. तब जाकर के दो महीने तमाम मीडिया के प्रेशर के बाद, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के इंटरवेंशन के बाद, तब जाकर के इन्होंने बहुत ही वेग सा स्टेटमेंट दिया था. वो भी बहन थी किसी की, और जिसने मारा था उसको वो एक शख्स था, संजय राणा, जो लोकल वहाँ का जो लीडर है बीजेपी का, उसका बेटा था उसमें. प्राइम मिनिस्टर का उस दिन तो दर्द मुझे नहीं छलकता हुआ नज़र आया था. मैंने कभी न मोदी को, न शाह को, न योगी को स्टेटमेंट देते हुए देखा कि मैं इसको सैक कर रहा हूँ पार्टी से, हमारी मुस्लिम माँ मुस्लिम बहन के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार कैसे हो गया. ये हाल में पहलू खान की मौत हुई, वो भी इन्हीं की आइडियोलॉजी के लोगों ने मारा.
उनकी भी जो बीवी जो बेवा हुई विडो हुई वो भी एक मुस्लिम महिला थी। कभी दर्द नहीं इनका छलका, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कभी टीवी वाले को बुला करके इंटरव्यू नहीं दिया कि मुझे बहुत दुख है, कभी अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि नहीं अब एक नए युग की शुरुआत करते हैं जिसमें कोई भी मुस्लिम महिला बेवा नहीं होंगी हमारे हमारे वर्कर्स हमारे सपोर्टर्स द्वारा। और आगे आते हैं, जुनैद नाम के एक लड़के को मार दिया गया, उसकी भी बहन थी, उसकी भी माँ थी, उन माओं और बहनों के लिए इनका इनके आंसू कभी नहीं छलके। चले ये तो हो गए मुसलमानों के बात, और लिस्ट तो बड़ी लंबी है, हम कहाँ तक जाएंगे इसमें। मुद्दा यह है, मकसद ये है कि इनकी खोखलेपन को, इनकी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करना है। ये तो मुसलमानों की बात होगी, आप कहेंगे मुसलमानों की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले एक स्टेट है, दिल्ली के बहुत करीब में एक स्टेट है जिसका नाम हरियाणा है, वहाँ एक बीजेपी की सरकार होती है, उसके मुख्यमंत्री वहाँ भी बीजेपी के हैं, मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर की बेटी, उसको रात में स्टॉक किया जाता है, किडनैप करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद पता नहीं उस बच्ची थी, पुलिस पहुँच गई, बच्ची बच गई। जिस लड़के ने किया था उसके फादर वहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं, ब्लॉक लेवल के नहीं, स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट हैं। रातों रात पुलिस पे दबाव डालने की कोशिश की गई, सीसीटीवी के फुटेज मिटाने की कोशिश की गई, फिर बाद में जब उसको लगा कि नहीं अब ये मामला बहुत बिगड़ गया है, अब इसको दबाया नहीं जा सकता है, तो इनके लीडरों ने, छोटे मोटे लोगों ने नहीं, इनके लीडरों ने उस बच्ची के कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की। चाइना एनसी का ट्वीट आया दिखाने के लिए कि कितनी कैरेक्टर की गिरी हुई है, बाद में चाइना एनसी ने कहा कि वो हैक कर लिया था, हैकर ने एक ट्वीट करने के लिए हैक किया था, वो इनका मजाक बना। बहरहाल उसके बाद यहाँ जो इनके सपोर्टर्स थे उन लोगों ने भी कैंपेन चलाया, नहीं हुआ। वहाँ पे कभी हमने कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, योगी का स्टेटमेंट नहीं सुना कि ये शर्मनाक बात है हमारे लिए, हमारी एक बहन है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हमारी बहन है वो, उसके साथ ऐसा हुआ है, हम सैक करते हैं। आज तक वो प्रेसिडेंट के तौर पे सैक नहीं हुए, आज भी वो स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनकी इनका अप्रोच है, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम वुमेन, किसी भी वुमेन के बारे में इनका अप्रोच, ये जो सच्ची इमेज जो है, सच्चाई ये है, वो नहीं जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। और आगे आते हैं, यूपी में 100 से भी ज़्यादा माओं ने अभी अपने बच्चों को खोया, वहाँ पे जाकर के आंसू पोंछते हुए मुझे योगी नज़र नहीं आए उन माओं के। कुछ दिनों पहले बंगाल में और गुजरात में दो बड़े बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, बड़े बड़े सेक्स रैकेट का, और वो सेक्स रैकेट कौन चला रहे थे? गुजरात में बीजेपी के लीडर चला रहे थे, बंगाल में बीजेपी की लीडर चला रही थी, जूही चौधरी जिनका नाम था, महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट थी, ये वो लोग चला रहे थे। और सेक्स रैकेट में किसका एक्सप्लॉयटेशन होता है? महिला का एक्सप्लॉयटेशन होता है, औरतों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। कभी आपने देखा है, याद है कि अमित शाह ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, योगी ने कभी एक चैनल को बुलाया हो इंटरव्यू देने के लिए, मोदी ने कभी कोई ट्वीट किया हो? नहीं किया। तो ये देखिए कि ये इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये जो आज दिखा रहे हैं कि इनको मुस्लिम और बहनों से बहुत हमदर्दी है, कभी मत मानिएगा, इन्हें किसी से हमदर्दी नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स, राजनीति, और वो उस पॉलिटिक्स जो नफ़रत की राजनीति है, लोगों को धर्म के पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे बांटने की राजनीति है, उनसे हमदर्दी है। तो मुझे सिर्फ यही आपसे बात करनी थी, ये याद रखिएगा जब आप इनका ट्वीट पढ़ रहे हों आज, और टीवी में इनका आप बाइट देख रहे हों, या इनका इंटरव्यू देख रहे हो, तो ये याद रखिएगा जो मैंने आपको कही है, ये बात इनकी सच्चाई ये है। और ये छोटी सी बात मुझे आपसे करनी थी, इस चीज़ को आप लोग इसको शेयर कीजिए, हाईलाइट कीजिए, स्प्रेड कीजिए, बिकॉज लुक वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू टेल द ट्रूथ, जो सच्चाई है वो आपको बोलनी पड़ेगी। मैंने अब बोलना शुरू कर दिया, अब मुझे पता है कि इसका क्या अंजाम होगा, जो हमारे फ्रेंड्स दूसरे चैनल्स में हो रहा है, जो सरकार के साथ टेक ऑन करते हैं, उनका क्या होता है अंदाज़ा है, लेकिन वी हैव सेड दैट कि हम सच्चाई कहेंगे और हर कॉस्ट पे कहेंगे, यह ऐड ना दें हमें कोई परवाह नहीं है, ये हमारे पीछे इनकम टैक्स के रेट तो डाल ही नहीं सकते, हम तो ऐसे ही भूखे नंगे, हम पे क्या डालेंगे,
ऐड नहीं देंगे, कॉरपोरेट को हमारे ऊपर एडवर्टीजमेंट नहीं करने देंगे, ना करें, सच्चाई तो हम बोलते रहेंगे। और इसमें आप भी आइए, यू हैव टू ज्वाइन एंड स्प्रेड दिस मैसेज एज फार एज पॉसिबल, शेयर कीजिए इस चीज़ को, साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन, रिमेंबर दैट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।